सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का फिर से इस बार के इस बताने में। अगर आप लोग इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया, इस वीडियो पूरा कंप्लीट कर से दिखाने वाला। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, किस तरह से भारतीय डाक वीडियो में बताने वाला। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए घंटी प्रेस के लिए, ताकि आप यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए फ्रेंड चलिए मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन कैसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे ना, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इसका लोगो दिखेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन आपके पास खुल आएगा, जो आपका यहाँ पे लॉगिन एमपी पिन है, वो एमपी पिन आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको देखिए, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, पे बिल्स, कार्ड, भीम UPI, पेंडिंग रिक्वेस्ट, सर्विस, आपको देखिए यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे आप यहाँ कौन कौन चीज़ कर सकते हैं, यहाँ नॉमिनी नेम अपडेट, नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, अपडेट पैन कार्ड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आधार सेंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट ईमेल आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए मैंने से जीमेल आईडी अगर आपने ऐड करके रखा तो यहाँ जीमेल आईडी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। मैंने जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड करके नहीं रखा, मैं चलिए यहाँ पे जीमेल आईडी अपना ऐड कर देता हूँ। अब डालने के बाद यहाँ आपको अपडेट के आइकन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आपके जो भी मोबाइल नंबर के साथ बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर है, इस पर आपको OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी अपडेट सक्सेसफुल, यहाँ देखिए डेट तारीख आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया गया, सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया। ये ईमेल आईडी यहाँ पे आपके जब भी अपडेट हो जाएगा जीमेल आईडी का, आपके वहाँ पे मैसेज आएगा, वहाँ पे जाकर चेक कर लिया। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर आप नीचे इस वीडियो में पूछ सकते हैं।